चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पर हम आपसे बातचीत क्रमबद्ध रूप से शुरू किए हुए हैं विषय वस्तु पर, और जहां पर हमने कल आपसे बातचीत किया हुआ था पशु के पार्ट नंबर वन पर, जहां पे हमने कुछ मुख्य पशुओं के विस्तृत वर्णन पर विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया। आज की हमारी आपकी मुलाकात यहाँ पर होगी पशु नामक चैप्टर पे, कुछ प्रमुख पशुओं पे जो कि अपनी विशेषताओं के कारण विशेष रूप से समाज में अपना स्थान बनाए हुए हैं और उसी के साथ वे आपके एग्जाम में भी अपना महत्व प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पे पशु नामक चैप्टर के वीडियो नंबर टू पर, और यहाँ पर हमारा पहला होगा सांप। साहब एनसीईआरटी में आपका टाइटल कहती है कि कहानियां सपेरों की, जिसके माध्यम से यहां पे आपको सांप के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहला पॉइंट यहां पे जो महत्वपूर्ण रूप से बनता है, कहा जाता है कि सांप किस प्रजाति का जीव है, तो यहां पे ध्यान देंगे कि हम पहली लाइन ही यही सम्मिलित किए हुए हैं कि सांप एक सरीसृप प्रजाति का जीव है। सरीसृप का मतलब होता है वे जीव जो रेंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, वे जीव सरीसृप प्रजाति के जीव कहलाते हैं, और सांप जो होता है वह सरीसृप प्रजाति का जीव कहलाता है। आगे की लाइनें क्या कहती हैं, सांप कह रहे कि भारत में सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है। सांप क्यों? क्योंकि आप बताइए कि क्या आप अधिकतर सांप कहाँ पाए जाते हैं, तो शायद आपका जवाब यही होगा कि वो जंगल झाड़ियों खेतों की तरफ पाए जाते हैं। तो सांप चूहों को खाते हैं और वे जंगल झाड़ी खेतों की तरफ पाए जाते हैं, तो सांप खेतों के चूहों को खाएंगे तो वो किसानों के क्या कहे जाएंगे, तो वो किसानों के मित्र कहे जाएंगे। आगे की लाइनें क्या कहती हैं कि भारत में कितने प्रकार के विषैले सांप। देखिए साहब, सांप तो बहुत पाए जाते हैं लेकिन सभी के सभी सांप विषैले नहीं होते हैं। यहाँ पे विषैले सांपों की अगर यदि बात किया जाएगा तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भैया आप चार चीज़ों को जानेंगे। नंबर एक कहा जाता है नाग, विषैले सांपों में। दूसरे नंबर पे कहा जाता है करैत, तीसरे नंबर पे अफाई, और चौथे नंबर पे कहा जाता है दुबैया। ये चार के चारों विषैले सांपों की श्रेणी है जो भारतवर्ष में पाया जाता है। चलिए साहब आगे की बात करते हैं। ये देखिएगा, नाग की बात हो रही, जो पहले नंबर पर आपने विषैले सांप को जाना, और आप ये कहते हैं कि वो कौन सा जीव है जो अपने बच्चों को खा जाता है, तो साहब यहाँ पर देखिएगा कि नाग कोबरा अपने बच्चों को घोंसले में जन्म देता है। एक प्रमुख बात कि कौन सांप की कौन सी प्रजाति अपने बच्चों को घोंसले में जन्म देती है, तो साहब वो नाग कोबरा होता है। इसकी और भी विशेषता है, क्या होता है कि ये घोंसले में जन्म देता है और जन्म देने के पश्चात कुछ दिन बाद उन्हीं बच्चों को वो खा जाता है या वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसी कारण कहा जाता है वो कौन सा जीव है जो अपने बच्चों को खाता है, तो सांप वो सांप होता है। और सांपों में कौन सा होता है, नाग कोबरा होता है। पूछता है कि कौन सा जीव, सांप का कौन सा प्रकार या कौन सा सांप अपने बच्चों को घोंसले में जन्म देता है, तो साहब वो है नाग कोबरा। आगे की लाइनें देखिए साहब क्या कहती है, कहता है कि सांप के दो खोखले दांत होते हैं। सांप के जो दो खोखले दांत होते हैं वो उसकी जिह्वा से जुड़े होते हैं, और दो के दोनों खोखले दांतों की विशेषता ये होती है कि वो आक्रमण करने या वो दूसरों को काटने के पश्चात उसी खोखले दांतों से अपने जहर या विष को दूसरों में छोड़ देते हैं। यहाँ पे तो ये लाइन कहती है कि सांप के दो खोखले दांत होते हैं जिससे वो दूसरों में जहर को छोड़ता है। एक प्रमुख बात यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि सांप के दांत पाए जाते हैं, सांप के दांत पाए जाते हैं, परंतु वह अपने भोजन को निगल कर खाता है न कि दांतों के माध्यम से। दांत का प्रयोग वो सिर्फ और सिर्फ आक्रमण के लिए करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि सांप भोजन को निगल के करता है न कि अपने दांत के माध्यम, और सांप भोजन को दांत से नहीं करता। आगे की लाइन क्या कहती है कि सांप काटने की दवा कैसे बनाई जाती है, सांप काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। आपके एनसीईआरटी की लाइन साफ साफ कहती है कि सांप
के काटने पर उसकी दवा उसके जहर से बनाई जाती, जो कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। आगे क्या कह रहा है कि देखिए साहब, एक जो बचपन का भ्रम पाला कि कहते हैं कि हमने 100 वर्ष पुराना सांप देखा, हमने 1000 वर्ष पुराना सांप देखा, वो सिर्फ कही कहाई कहानियां होती हैं। साहब, सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है, जिसमें कोई भी सांप अधिकतम 14 वर्ष तक जीवन जीता है। तो इस आधार पे सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष मानी जाती है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा जीव कौन सा है। तो सांप, ये साहब ये ध्यान देंगे आप कि यह सांपों की ही एक प्रजाति जिसे हम अजगर के नाम से जानते हैं, ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा जीव होता है। आगे की तरफ की बात करते, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आपके सेटेट एग्जाम के लिए, कहता है कि सांप के कान नहीं होते हैं। प्रश्न उठता है, सांप सुनता कैसे है? तो कहता है कि सांप अपने शरीर के कंपन के माध्यम से आवाज को सुनता है। आगे की और महत्वपूर्ण लाइन कि कहता है कि सांप का जो जीभ होता है, आपने देखा होगा जो बार बार बाहर की ओर निकालता है, सबसे अधिक कंपन सांप के उसी जिह्वा में होती है जिससे दांत जुड़ा होता है, जिससे वो आवाजों में, कंपन के माध्यम से आए आवाजों में आसानी से अंतर कर लेता है। आगे की लाइन देखते हैं, अगले जीव का, यहाँ से हमने आपसे बात किया विस्तृत रूप से सांप के बारे में, आगे के बारे में हम बात करेंगे। हमारा अगला यहाँ पे है डॉल्फिन। डॉल्फिन के क्रम में हम पहली महत्वपूर्ण लाइन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है। तो साहब, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम डॉल्फिन है। आगे की लाइन क्या करे कि डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है। पूछता है साहब कि ये अंडे ये अपने बच्चों को कैसे पालती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह स्तनधारी जीव है जो अपने बच्चों को क्या करती है, दूध पिलाती है। आगे की लाइन करें कि डॉल्फिन अपना सांस किसके माध्यम से लेती है, नाक के माध्यम से लेती है, किसके माध्यम से। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह अपना सांस फेफड़ों के माध्यम से लेती है, और इसका फेफड़ा सीधा इसके गलफड़े से जुड़ा हुआ होता है। आगे की लाइन क्या कहती है कि डॉल्फिन एक बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है। इसके बुद्धिमत्ता का वर्णन इतना किया जाता है कि आसानी से मनुष्यों से मित्रता कर लेती है और वह उससे बात भी करती है। यही लाइन आगे कह रही कि डॉल्फिन भिन्न भिन्न आवाजें निकालती है। आगे की लाइन कि भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव, देखिएगा ये पूरे इसका पूरा सबसे महत्वपूर्ण लाइन क्या करे कि भारत में जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये डॉल्फिन जो समुद्रों में पाया जाता है उसे नहीं किया गया। साहब, भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को घोषित किया गया है। और ये प्रश्न बनता है कि साहब, अगर ये समुद्र में नहीं पाई जाती तो आखिरकार पाई कहाँ जाती। तो आगे की लाइन आपकी कहती है कि यह भारत के गंगा नदी में, तो पूछता है गंगा नदी तो बहुत दूर तक है, कहाँ से कहाँ। तो कहता है कि यह इलाहाबाद, जिसका बदल के नाम प्रयागराज किया है, यहाँ से पटना के बीच में गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, उसी अंधी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, न कि समुद्री को। तो साहब, यहाँ पे हमने बात की आपसे डॉल्फिन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें आपसे केचुआ के बारे में। साहब, यह बारिश के मौसम में सामान्यतः पृथ्वी पर ऊपर की ओर आकर के दिखाई देने वाला जीव है। आपने देखा होगा यह कत्थे या भूरे रंग का दिखाई देता है, जो कि सरक सरक कर अपने शरीर को आगे बढ़ाते हुए अपनी यात्रा को तय करता है। यहाँ पे एनसीईआरटी की आपकी लाइन क्या कहती है, पहली लाइन कहती है कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। साहब, केचुआ जो होता है, आगे की लाइन क्या कहती है कि केचुआ को किसानों का जो मित्र कहा जाता है, अगली लाइन जोड़ करके कहती है क्यों,
अगली लाइन कहती है कि आखिरकार किसानों का मित्र कहा जाता है तो क्यों? तो इसका जवाब कहता है कि केचुआ मिट्टी को खाता है, बारिश में जो ऊपर आता है तो केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को खा करके मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। और ये भुरभुरी मिट्टी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अंदर जाने लगती है और इसके माध्यम से हमारी मिट्टी क्या हो जाती है साहब, हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, जो कि हमारे फसलों की उपज को बढ़ा देती है। आगे अब नेक्स्ट जीव पर बात करेंगे, नीली व्हेल पे बात करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव, तो पहली लाइन ही आपका इसका वर्णन करती, कौन सा है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नीली व्हेल को। अगला प्रश्न यहाँ पे सीधा बनता है कि क्या नीली व्हेल स्तनधारी है? तो यहाँ पे पूछता है कि नीली व्हेल, हाँ वास्तव में यह एक स्तनधारी जीव है। किसकी बात ही? आपने अभी अभी जाना है डॉल्फिन भी स्तनधारी जीव है और नीली व्हेल भी स्तनधारी जीव। आगे की लाइन कहता है कि यह अपना सांस कहाँ से लेती है, किसके माध्यम से लेती है? तो यह अपना सांस गलफड़ों से जुड़ा हुआ फेफड़ा, तो यह फेफड़ों के माध्यम से सांस को अंदर लेती है। आगे कहा जाता है प्रश्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही होता है कि आखिरकार साहब नीली व्हेल पाई कहाँ जाती है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक नीली व्हेल कहाँ पाई जाती है? तो यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। चलिए साहब अगली हम बात करते हैं, जैसे आप सभी परिचित हैं, आप सभी के घरों में पाया जाने वाला जीव है, बात करते हैं साहब मकड़ी की। कहता है कि मकड़ी के बारे में पहली लाइन प्रश्न, सबसे शानदार प्रश्न, मकड़ी के कुल कितने पैर होते हैं? तो साहब मकड़ी के कुल कितने पैर होते हैं? मकड़ी के 8 पैर होते हैं और यह कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। और यहाँ पे एनसीईआरटी की सबसे महत्वपूर्ण लाइन मकड़ी के बारे में कहता है कि मकड़ी जो मादा मकड़ी होती है वह जब गर्भ धारण करती या वो जब निषेचन की क्रिया कर लेती है तो वह तुरंत अपने नर मकड़ी को मार देती है, किससे? जान से मार देती है। मादा मकड़ी गर्भ धारण के तुरंत पश्चात अपने नर मकड़ी को क्या करती है? जान से मार डालती है। तो यहाँ पर हमने आपसे बात किया मकड़ी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आगे की लाइन क्या कहती है? रेशम का कीड़ा अर्थात वे जिसके माध्यम से हम अपने शरीर पे सुंदर वस्त्रों को सजोते हैं। साहब पहला लाइन एनसीईआरटी की क्या कहती है कि रेशम का कीड़ा किस पेड़ों पर पाला जाता है या रेशम के कीड़े का विकास किन पेड़ों पर होता है? साहब सहतूत के पेड़ पर रेशम के का कीड़ा पाला जाता है। आगे की लाइन क्या कहती है कि रेशम पालन को किस नाम से, बहुत शानदार प्रश्न जो अधिकतम बार आया हुआ है कि रेशम पालन को किस नाम से जाना जाता है? साहब सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे की लाइनें क्या कहती हैं कि नर रेशम अपनी मादा को किसके माध्यम से पहचानता है, चिन्ह के माध्यम से, किसके माध्यम से? तो नर रेशम अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर शामिल की गई है। साहब हम अगले क्रम पर बात करेंगे गिद्ध चील और बाज के बारे में। गिद्ध चील और बाज, यहाँ पर हम देखेंगे अगर गिद्ध की बात करेंगे तो हम पहले नंबर पे कहते हैं कि गिद्ध की विशेषता क्या है कि यह सुनसान पेड़ों पर अपना आश्रय आवास बनाता है, उसमें अंडा दिया उसके बाद उसको छोड़ दिया। चील की हम बात करते हैं, चील का ध्यान दीजिएगा, चील अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पर बनाता है
और इसका जो घोंसला होता है 3 से 4 फीट चौड़ा होता है, और एकमात्र ये पक्षी जो अपने घोंसले का प्रयोग एक बार अंडा देने के पश्चात पुनः करता है, मतलब ये कई साल तक अपने घोंसले का प्रयोग करता है। बाकी सारी पक्षियां एक बार घोंसला बनाई, एक बार अंडा दिया, फिर घोंसले को छोड़ देते, दोबारा अंडा देना, दोबारा घोंसले का निर्माण। अगला क्रम कहता बाज, अगला क्रम कहता है बाज ये सबसे ऊंची पेड़ की ऊंची डाली पर यह भी अपना घोंसला बनाता है। आगे कहता है कि ये मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक किसी वस्तु को देख सकती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को 2 मीटर देखती है तो यह 8 मीटर आसानी से देख लेती है। आगे की लाइन क्या कहता है कि ये पक्षियां, वही बात एनसीईआरटी की लाइन दोहराई गई है कि सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है, बना करके उसमें अपने अंडे को देती है। तो साहब यहाँ पर हमने आपसे पशु नामक चैप्टर पर विस्तार से बातचीत किया, सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।